तुरी वो पान ठेला वाली दोनों कान मा वो तोरी झूले बाली। ए तुरी वो पान ठेला वाली दोनों कान मा वो तोरी झूले बाली। देखो दी रानी घूमे लो अभी मोर गाँव साजा पाली। देखो दी रानी घूमे लो अभी मोर गाँव साजा पाली। राजा गोरी हवा मैं दिल वाली मोर बहनी ला तोरे बना ले साली। राजा गोरी हवा मैं दिल वाली मोर बहनी ला तोरे बना ले साली। तोर बरेगा दीपक राजा दिल हे मोर खाली खाली। तोर बरेगा दीपक राजा दिल हे मोर खाली खाली। अपन निक लागिस भैया, जय जोहर जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, मैं आप मन के पुष्पा साहू और सीजी इंटरव्यू में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, जैसे कि आप मतलब पता है कि मोर चैनल है सीजी इंटरव्यू, जेमे मैं हर जम्मू कलाकार मन के इंटरव्यू लेत हूं। ता आज हमारे साथ में हमारे लोक गायक भैया हावे दीपक साहू। तो सर्वप्रथम सीजी इंटरव्यू में आप मन के स्वागत है भैया। धन्यवाद दीदी। तो भैया सबले पहले तो हम आप मन से आपके थोड़ा सा परिचय जानना चाहबोन कि आपके रहना सहना कहाँ होते और आप मन के कहाँ तक के पढ़ाई हो है। मोर तो रहना साजा पाली में हुआ थे, कोटा क्षेत्र है और मोर पढ़ाई नौवीं तक की हो है। और आपके फैमिली में मतलब परिवार में कितना जन है भैया, कौन कौन हावे? मोर दो लड़की है, एक लड़का है, माता पिता है, दाई बाबा है, चाची चाचा है, भाई है, बाकी सब घर परिवार में हवा सब। और भैया सबसे खास बात ये कि हमें जानना चाहबो आप मन कितना साल के उम्र में ये गायक में आए हो, मतलब कैसे आप लगी कि हाँ मुला गाना चाहिए और कितना साल के उम्र में आप मन सीखे हो? मैं बचपन से गाना उना गात रहे हूँ, ऐसे गाना उना सुना कैसन कलाकार के कैसेट के जमाना से हम सब चीज करत रहे, रील के जमाना में गात रहे गाना उना। तब फिर से कुछ समय से बंद कर दिए रहे हो, फिर मोर मन में लगी और कुछ गाना उना गा करके तो फिर से दे चालू करे हूँ गाना उना गाए लगा। तो भैया जैसे आप गाना सुन के गाए पर सीखे हो कि आप मन गाना कहीं सीखे हो या आप मन के कोनो गुरु है काय में? मोर तो कोई गुरु नहीं है, मैं अपन मन से सीखे हूँ। सरस्वती मैया के देन है सब चीज है, मैं अपन खुद लिखता हूँ खुद गाता हूँ, मोर कोई गुरु नहीं है, लेकिन मैं अपन मन से गुरु नीलकमल वैष्णव जी ला मानता हूँ। और भैया तो आपके वो फर्स्ट गाना कौन से है जाला सबसे पहले आप मन गा रहे हो? मोर सबसे पहला गाना राजश्री म्यूजिक अरविंद कुरले जी के यहाँ से रिकॉर्डिंग करवा रहे हूँ, मोला तोरबार माया लगे वो थोड़ा सा गुनगुना तोला तोलने गुनगुना देते हो भैया। माया पीरित के बोली मारानी मन मोर बांधा गे वो। माया पीरित के बोली मारानी मन मोर बांधा गे वो। मोला तोरब मोला तोरबर माया लागे वो रानी तें दिला चुरा गे वो। और भैया हमन आप से ये जानना चाहबो जैसे रील बनैया डॉकी ये गाना आए है जमे नीलकमल वैष्णव भैया के साथ आप मन आए हो, तो ये कैसे गाना बनी से और कैसे आप मने में आए कर बारे में थोड़ा हमारे संगवारी मतलब कुछ जानकारी देते हो आप मन? हमार भैया सुरेंद्र लहरे जी है कोरियोग्राफर है, वो मलाकाल करी के नीलकमल वैष्णव जी के होली गीत है तो हमें थोड़ा सा रोल करना है भाई इसे करके, तो मैं ठीक है बोले और गया हूँ नीलकमल भैया के गाँव बरभाठा, वहाँ फिर ये शूटिंग हुई। भैया वो गाना तो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही से का बहुत चले रही सोली में। भैया जैसे आप मल्ला हमारे जनता मन के प्यार मिलते आप मन के सॉन्ग मल्ला, तो आप मल्ला कैसे महसूस होते और कैसे लगते? बहुत अच्छा लगते, जगह जगह सुनत रखन गाना वाना में, छठी बार बिहार में सब डीजे उजे में बजत रहते सुनथन तो अच्छा लगते, सब देखते माया दुलार करते दीपक साहू जाते ही गाए गाना लगते बहुत अच्छा खुशी लगती बहुत अच्छा। और भैया खास बात हमन आप मन से आपके परिवार के बारे में कुछ जानना चाहबोन कि आपके परिवार के कुछ ऐसे बात जो मुला नहीं पता है या हमारे संगवारी मल्ला नहीं पता है तो आप एक बारे में कुछ जानकारी देते हो? मोर तो पहली मोर लव मैरिज में शादी करे रहे हूँ, मोर पत्नी के नाम है संध्या, जब तक गाना उना गा था ओकरे नाम से बनते, मोर खुद के चैनल भी है संध्या रानी म्यूजिक करके, और तोर सुरता वाले जो सॉन्ग सुना है ना वो मोरे चैनल में डले है, ओकरे याद में सब गाना उना गाता हूँ। और ओकर बाद साथ साथ फिर मोर बिहाव करी मोर दाई दादा मोर घर परिवार के मन फिर 2 साल तक तो ऐसे रहे, ओकर बाद फिर मोर बर बिहाव करी फिर
लाए मोढ़े से मतलब शादी वादी करके ओखर बृहस्पति साहू नाम है ओखर दू झन अभी लड़की हवा और मोर संध्या के मतलब एक झन लड़का हवा हाँ और मोर भाई हवा छोटे वह उसलापुर वैष्णवी बिहार में दुकानदारी करते हमार खुद के कार है ओला मोर पापा चलाते हाँ मोर माता पिता मने दे घर में बैठन वही रहते बिलासपुर में और मोर दादी दादा मन मोर साथ गाँव में रखे साजा पाली में हाँ यही मोर जिंदगी के बारे में भैया। और आगे क्या आपके प्लान का है, मतलब क्या सोच के रखे हो कि ये सिंगिंग के ही लाइन में रहना है या कहीं अच्छा रेलवे गवर्नमेंट जॉब या कुछ अच्छा काम मिल जाए तो ओला करूँ कि ये सिंगिंग के लाइन में ही रहू आपन। मोला तो बचपन से सिंगिंग के ही सपना है और मैं मरते दम तक जनता मन पर गाना गाते रहूँ, जब तक जी हूँ तब तक गाने गाऊँ और मोला गाने ही गाना है और एक्टिंग करना है, कोरियोग्राफी करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। मोला बचपन से सपना रही से गाना गाए के और गाने ही गाऊँ और हफ्ता 15 दिन में मोर गाना डालते थे SB म्यूजिक कोरबा मा चैनल मा और कई छो चैनल मन मा बलाते गाना गाते चरथन। हाँ तो संगवारी हो भैया हर इतना अच्छा जानकारी दी से अपन बारे में और भैया इतना अच्छा सॉन्ग भी गाते हैं अपन तो खुद ही देखे हो, तो भैया से हमन और एक तो क्या रापचिक का बोले हो भैया, वो तो सुना चुका हूँ रेप हाँ, सॉन्ग जस्ट भी सुना देता हूँ तो हाँ और एक दो आज सॉन्ग सुना देते जस्ट भी सुना देता हूँ जो अभी बन चुके हैं मोर मोबाइल में हवा है लेकिन अभी रिलीज नहीं करे हैं। दुर्गा परवाही ना शूटिंग करके मैं खुद हीरो हूँ, वो गाना इतना मतलब जनता मतलब पसंद आई कि मैं चीरा कपड़ा पहन के एकदम बनिया नहीं पहन के मैं रोल करे हूँ, अभी रिलीज नहीं करे हूँ एकदम तड़पत याद में तिफरा काली माई, यहाँ तो तिफरे में बैठे हैं अभी तिफरा के काली माई के नाम से वो गाना ला मैं बनाया हूँ, बोला जनता मन के बीच में परोसना चाहिए। निचट गरीब हादाई निचट अड़हा हमाई निचट गरीब हादाई निचट अड़हा हमाई तोरे जस लागा था वो पैसा कौड़ी नहीं है दाई कैसे जो जलावा वो रुपया पैसा नहीं है दाई कैसे जो जलावा वो निचट गरीब हादाई निचट अड़हा हमाई तोरे जस लागा था वो रुपया पैसा नहीं है दाई कैसे जो जलावा वो रुपया पैसा नहीं है दाई कैसे जो जलावा वो घर में नहीं है रुपया पैसा एको चावल के दाना वो एको चावल के दाना कैसे करा मैं गुजर बसर ला दाई तही बताना वो दाई तही बताना मोरी अर्जी सुन महामाई मोर तिफरा के काली माई मोरी अर्जी सुन महामाई मोर तिफरा के काली माई तोरे बेटा तोला बोलावा वो रुपया पैसा नहीं है दाई कैसे जो जलावा वो रुपया पैसा नहीं है दाई कैसे जो जलावा वो आगे हवा नाव राती दाई कैसे जलावा जोते आगे हवा नाव राती दाई कैसे जलावा जोते वो ए दुनिया मोलो गरीब थे बैठे हमारे तेरे वो कबर मोलो गरीब बनाए बैठे हमारे तेरे वो दाई दादा नहीं है मोर नहीं है घर कुरिया कबर मोला अनाथ बनाए कोनो नहीं है मोर पूछैया दाई दादा नहीं है मोर नहीं है घर कुरिया कबर मोला अनाथ बनाए कोनो नहीं है मोर पूछैया फुटपाथ मा पड़े रहथौ फुटपाथ मा पड़े रहथौ सोचे थाव रोत रोत वो तड़पा थाव रोत रोत वो ऐसे करके जस गीत रही दिल्ली में। अब बड़ी निक लगी भैया वाक्य में आपका आवाज बहुत अच्छा है, मैं तो पहली बार सुने हो लेकिन बहुत ही अच्छा लगी, बोलते हैं ना गाना में सुनना और सामने से सुनने में वो बात में कोई दम रहते लेकिन वाक्य में आपका आवाज बहुत अच्छा है। तो संगवारी हो आप मन देखे हो दीपक साहू भैया इतना अच्छा सिंगर और इतना अच्छा से गाते, तो संगवारी हो आप मन भैया के सॉन्ग ला पर मैं दुलार जरूर दूहू और हमर सीजी इंटरव्यू चैनल ला भी मैं दुलार जरूर दूहू। और संगवारी हो भैया और कुछ आप मन ला कहना चाहते हैं ताओ भैया से सुनथन का है, अभी जतका बड़े बड़े स्टूडियो है ना छोटे छोटे कलाकार मल्ला उतका महत्व नहीं देती, घुमा फिरा वाला काम करती
जैसे छोटे कलाकार मन जावा थे स्टूडियो में पैसा लेके ओकर गाना भी नहीं बनावा थे और कई कई स्टूडियो है बड़े बड़े, ना तो नहीं लेना चाहो काबर अच्छे नहीं लगे, लेकिन बड़े बड़े स्टूडियो वाले मन्ना छोटे छोटे कलाकार मन उतना महत्व नहीं रहा है, पैसा कौड़ी लेके धोखाधड़ी करे वाला काम करे थे। हाँ कई जन कलाकार मन बताए कि भैया मोर तीर 10,000-20,000 ले लीज और गाना भी नहीं बनाई ओकर बाद भगा दीज अपन स्टूडियो ले। ऐसे रायपुर के स्टूडियो कई जगह के स्टूडियो में ऐसा चलत लिखे थे, सब चीज ना स्टूडियो वाला मन नहीं करना चाहिए, बड़े हुआ चाहे छोटे हुआ कलाकार तो कलाकार होते हैं भाई, बोला मतलब मौका देव तबे तो जनता जानी हो। आप मन के स्टूडियो चली, हम कलाकार हम तो स्टूडियो वाला मन के चला थे, हम गाना गाबो तब तो मन रिकॉर्डिंग करी आओ चलियो घर चैनल हम ही मन नहीं गाबो कहाँ चलियो घर, गलत बोला था। तो ये सब चीज नहीं करना चाहिए चैनल वाले मन, मतलब सब जनला मौका दे सब जनला यही बोलना चाहूँ। हाँ संगवारी हो भैया हर इतना अच्छा संदेश दे हावे कि जहाँ के भी स्टूडियो वाले मन हावे ता छोटे हो या बड़े हो कलाकार सब एके होते, ता सब ला सबके पूरा हक देना चाहिए, कोई ला छोटे बड़े के दर्जा नहीं देना चाहिए। तो भैया के बात ला गौर करूँ और जितना स्टूडियो वाले मन है सबको थोड़ा सा ध्यान दू और जाति बिराते भैया आपके पुनः दिल से धन्यवाद एक बार। धन्यवाद और भैया हम आप मन से ये जानना चाहे कि अभी तक आप मन के कितना ठोक सॉन्ग आ गए हैं? मोर लगभग 15-20 गाना आ चुके हैं। हाँ। तो आप पूरा एल्बम ही सॉन्ग आए हो? हाँ एल्बम में गाए हैं पूरा। हाँ। अच्छा तो और भैया आपके कौन कौन से सॉन्ग वायरल हो है? मैं एक एक दो लाइन ला गुनगुना दे, तो अभी तक कितना ठोक सॉन्ग वायरल हो है आप मन के? गुनगुना के सुना हो। दाई ददल तोरे मना ले काकीला तोरे समझा दे दाई ददल तोरे मना ले काकीला तोरे समझा दे साजा पाली के अटल कुंवारा मोला गोसैया बना ले साजा पाली के अटल कुंवारा मोला गोसैया बना ले सब्जी भाजी बेस्ते कई के बता देना तोरे भाई ला बता देना तोरे भाई ला भैया भौजी गाड़ी देते हो गे हे बढ़ कर लाई गा हो गे हे बढ़ कर लाई दाई ददल तोरे मना ले काकीला तोरे समझा देव दाई ददल तोरे मना ले काकीला तोरे समझा देव साझा पाली के अटल कुंवारा मोला गोसैया बना ले साझा पाली के अटल कुंवारा मोला गोसैया बना ले। अपन निक लागे भैया बहुत मधुर है आपका आवाज। और भैया हम अपने से जानना चाहे आपन जैसे मंच में कार्यक्रम देखो तो कौन कौन से प्रकार के कार्यक्रम ला देखो? मोर मंच के नाम है छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच सुर संध्या। मतलब कौन कौन से प्रकार के मतलब मंच में कार्यक्रम देखो आप? छत्तीसगढ़िया गाना पंथी प्रोग्राम है, छत्तीसगढ़िया जगराता जस गीत नवधा रामायण सब प्रकार के मतलब प्रोग्राम देखो मैं है, जैसे जैसे आते बुलावा वैसे वैसे चला। अच्छा भैया जैसे मंच में कार्यक्रम देखो तो आप मतलब कहीं से भी सम्मान मिले है कि नहीं मिले है अभी तक? नवधा रामायण में कई जगह से मिलत रहते सम्मान हो मिले है कई जगह ले हो। और भैया हम आप मन से ये जानना चाहे बोन जैसे कि आप अभी एल्बम सॉन्ग गात हो उनमें कुछ सॉन्ग मन भी वायरल हो अभी, तो जैसे अगर आप मन ला फिल्म में अगर गाय के मौका मिली तो गाना चाहू कि नहीं आप मन? बिल्कुल गाना चाहिए वो। तो भैया जैसे सिंगिंग ही करते हो कि एकर सिवा और कुछ काम भी करते हो आप मन? मैं सब्जी सिंगिंग के साथ साथ सब्जी भाजी बेचता हूँ बाजार में। और आपसे ये जानना चाहूँ कि जैसे आप सिंगिंग के लाइन में आए हो तो आपके घर से आप मतलब सपोर्ट मिलते कि नहीं, जैसे आपके माँ पापा हो गए आपके वाइफ के? सपोर्ट तो सब जन के है, बाकी मैं अपन खुद से ये सब चीज ला करत हूँ, बाकी घर के मन बहुत खुश रहते गाना उना सुनते सब बहुत अच्छा लगते सब जन ला कि मोर बेटा गाना चलत है, इसे खुश रहते दाई दादा मन वाइफ भी खुश रहते गाना उना सुनते गाँव बस्ती में सब चलत रहते था बहुत खुशी होते सुन के मन ला। हाँ और भैया हम आप मन से ये जानना चाहे कि आप सिर्फ छत्तीसगढ़िया ही गाना चाहते हो, अगर कभी मौका मिली आप ला हिंदी गा के या हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर जाए के तो आप गाना चाहो और हिंदी गाना गाना चाहो कि नहीं आप मन? बिल्कुल गाना चाहूँ, उसे तो अभी रचना करा था भोजपुरिया में घला लिखता हूँ थोड़ा बहुत गाना चाहूँ हिंदी गाना भी गाऊँ। तो और आगे क्या आपके प्लान का है सिंगिंग के साथ और का क्या करना चाहते हो आप मन? आप सिर्फ सिंगिंग ही हो मतलब गाना ही बस गाते हो कि हीरो के भी कोई एल्बम में आप रोल करे हो?
मैं गाना गाए साथ साथ स्वयं लिखता हूँ भी, और कई झन कलाकार ला लिख लिख के दिए गला हूँ, और एक्टिंग भी करता हूँ और कोरियोग्राफी भी करता हूँ। बाकी ये सब चीज चलत ऐसे मोर, और दूसर ला भी मतलब कई झन के गाना भी बनावा था अभी नया, कई झन के मतलब शूटिंग वूटिंग कोरियोग्राफी सब चलत ऐसे मोर। हाँ तो संगवारी हो आप मन सुने हो भैया खुद बताई से कि गाना भी लिखते कोरियोग्राफी भी करते, तो अगर आप मन ला अगर भैया की आवश्यकता हो ही अपन गाना पर तो जरूर भैया से एक बार संपर्क करूँ। और भैया हमन अपन से ये जानना चाहे बोन कि अभी आपके आने वाले नवा गाना कौन कौन से है। अभी मोर नया गाना आने वाला है नीलकमल वैष्णव जी के साथ में, झोलटू राम वाले है गाना, वफा सांग है, रेप सांग है, जस गीत बन चुके हैं, और बहुत सारा गाना है बेलपान मेला वाले, बहुत सारा गाना भी आने वाला है। 2-3 दिन बाद तो कर रिकॉर्डिंग है, ट्रैक बन चुके हैं। हाँ और भैया हमन आप मन से ये भी जानना चाहे बोन कि जैसे अभी नवा नव युवा नवा पीढ़ी के जो नवा नवा कलाकार माने चाहे वो लड़की हो या लड़का हो जो ये क्षेत्र में आते उमन में आप मन का संदेश देना चाहूँ। का है कलाकारी अभी बड़े बड़े स्टूडियो बना जाबे, अभी छोटे छोटे कलाकार कोई भी चाहिए ना तो घुमा फिरा देते बड़े बड़े स्टूडियो वाले मन। हमू मान लो इसे पहली जात रहे पहली बहुत पहली, तब बैठे रहन सुबह से बैठे रहन शाम के आवाए, ओखर बाद ये सब चीज घुमाई फिरेज। अब तो हम सब चीज स्ट्रगल करें बहुत, अब तो इससे कुछ नहीं है, अब तो जगह जगह गाँव गाँव कलाकार है, गाँव गाँव स्टूडियो खोल गए, पैसा देव रिकॉर्डिंग करवा ऐसे चला थे। लेकिन वो समय हमारे बहुत स्ट्रगल करे हैं जा जाके, जैसे मरमितान अभी वायरल हुए मोहनी पान ठेला वाली सनी पांडे, उस समय हम दोनों जन इतना स्ट्रगल करे हैं रायपुर के हैं, उस समय जो गाना बिंदिया लेबे चूड़ी लेबे वो गाना बनवान हुआ जाके कैसेट के नाम रही मेहरू दिल की रानी बिंदिया लेबे चूड़ी लेबे, ये गाना मन पहली ना बहुत स्ट्रगल करे रहे गाना बनाए पर। उखर बाद ना धीरे से मरमितान सनी पांडे गाना अपन खुद के यूट्यूब से जी राह के साथ सनी पांडे वाले में डाली ना बिंदिया लेबे चूड़ी लेबे, तो एवीएम स्टूडियो वाले वाला ऑफर करी के तब वो गाना है 12 मिलियन चल चुके हैं, और जो मोहनी पांचल वाले 35 मिलियन चले हैं। उमर मितान के गाना है जो साथ में बचपन से मोर संग गुजरे हैं, बचपन से हम एक दूसर संग चलत रहे हैं। हाँ तो भैया जैसे आपन ने संगीत के क्षेत्र में आए हो तो आप मान ले सरकार के तरफ से कुछ सपोर्ट मिलते कि नहीं मिले। नहीं मिले, कुछ नहीं मिले आज तक। अच्छा, तो आप सरकार से कुछ मांग करना चाहो का कलाकार मन पर। बिल्कुल, कलाकार छत्तीसगढ़िया कलाकार मन ला देखा है और सरकार मन कुछ दे हम ला आगे बढ़ाए, यही चाहे वो प्रचार भी करबो उनकर। हाँ और ऐसे कुछ बात भैया जो आप अपन संगी संगवारी मन ला कहना चाहू। अबे दे गाना उना सुना सुनत रहते सब संगी संगवारी मन, बस वही अब कुछ नहीं बोलना चाहूँ, बस गाना उना सुने करे बढ़िया देखे। भैया जैसे जाति बिराती और एक आध उठिन कोई से आपके सॉन्ग ला सुना देते। तोर सुरता मारानी वो बैहा बन के घूमत रही थो ना, तोर सुरता मारानी वो बैहा बन के घूमत रही थो ना, तोर सुरता हमोला रही रही के आथे, तोर सुरता हमोला रही रही के आथे, तोला गली गली खोजत रही था ना, तोरी सुरता मरानी वो बैहा बन के घूमत रही था ना, तोरी सुरता मरानी वो बैहा बन के घूमत रही था ना। अब साथे साथ रेप सॉन्ग भी सुना देता हूँ। मैं करता हूँ एगो री तोला पलक के देख लेता रानी मोला, तिरमा बाला के मोल दे देता कि इस रायपुर वाले टूरी अबर कर था मिस बुरिया बुरिया गात और फिगर खलाल के देख के दीपक साहू के बुरा गाल के कल तर चढ़ के पर साइकिल नसीब नहीं आज मोर पास चार अधिकार के ज्यादा घमन झन देखाना वो टूरी तो संग बिहाव कर एक मोर औकात है दुनिया कैसे मोला सीजी रा स्टार संध्या रानी तोला कर था मैं प्यार आखी नसीली तोर कातिल यदा है कैसे आवा तोर दुआरी में दादा है लाल पर शर्मा तोला घुमा हूँ चार गो चुप रानी तो लखावा हूँ बार मा जाके धुआं उड़ा हूँ तभी तो रानी गवैया खाऊ। ये रेप सांगे नया आने वाला है। अब निक लगी भैया और एक नंबर आपकी आवाज है, बहुत मजा आ गई सुन के। तो संगवारी हो आप मन देखे हो कि अभी हम दीपक साहू लोक गायक भैया के इंटरव्यू ले हैं, तो संगवारी हो ऐसे ही भैया के फुल इंटरव्यू देखे बस सीजी इंटरव्यू चैनल ला आप लाइक कमेंट शेयर करूँ। और भैया जाति बराती जैसे मोर चैनल है सीजी इंटरव्यू, तो आप हमारे संगी संगवारी मन ला का कहना चाहूँ। जय जोहार, राम राम, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो,
हमार सीजी इंटरव्यू चैनल ला देखाओ, सुनाओ, लाइक सब्सक्राइब शेयर कराओ और अच्छा अच्छा हमारे इंटरव्यू आई तला देखा और एक से बढ़ के कलाकार मन के इंटरव्यू दीदी लेके ये चैनल बिल्कुल अपन मोबाइल में ज्वाइन कराओ और देखाओ। धन्यवाद धन्यवाद भैया आप मन के।